नमस्कार, मैं फिर से हूँ आपके साथ। और मैं जैसे कि आपसे बातें करी थी योगा की और उसके साथ जुड़ने की, अभी मैं आपको जो बात कर रही हूँ उसको मैं थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए, हमारा कौन है हम सफ़र ये भी तो जान लें। हम एक दूसरे के साथ इतने जुड़े होते हैं, या मैं अगर पति पत्नी के रिश्ते की बात करूँ तो पति पत्नी को सोलमेट बोला जाता है। उसका एक बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ी एक घटना है, प्राकृतिक घटना है दो लोगों का मेट होना। इस तरह से एक नेचर की बहुत बड़ी विडम्बना है, विडम्बना नहीं सॉरी, नेचर की बहुत बड़ी साजिश है जिससे पृथ्वी पर जीवन होता है, मानवता का जीवन होता है। तो ये इस पे मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ, ये बहुत बहुत गहरा टॉपिक है। अभी जो मैं बात करूँ कि इसके बारे में बहुत पॉलिसीज़ हैं, बहुत ज़्यादा भ्रम में पड़ी है दुनिया कि हमको लगता है हम किसी को भी एकदम इजीली सोलमेट बोल देते हैं और फिर अगले दिन जाके उससे लड़ाई कर रहे हैं या उससे डिवोर्स ले ले रहे हैं, ये सब चल रहा है सेपरेशन एंड ऑल। तो देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप अपने हस्बैंड अपने स्पाउस को प्यार मत कीजिए, ऑब्वियसली करिए एक दूसरे को प्यार, एक दूसरे के लिए जो बोलना है, बेबी सोना बाबू जो भी बोलना है आप बोलिए। मैं बस यहाँ पर आपको रियल फैक्ट समझाने वाली हूँ कि हमारी जैसे हम हर पल साथ रहते हैं हम सफ़र, वो क्या है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब वो उसका हम ध्यान रखेंगे तो नेचुरली हम किसी भी पर्सन के साथ, चाहे वो हमारा पति हो, चाहे हमारा पापा हो, चाहे हमारा भाई हो, चाहे हमारा पड़ोसी हो, हम उसके साथ एक नेचुरली अंदर से एक प्यार के साथ जुड़े होंगे और भाव प्यार से मतलब ट्रीट करेंगे। तो देखिए, नेचर में सूरज कभी हमारे साथ कुछ घटना हो जाए, सूरज कभी निकलना बंद नहीं होता है, चाँद चाँद में देना बंद नहीं होता है, तारे चमकना बंद नहीं होते हैं, पेड़ पौधे अपनी हमें ऑक्सीजन देना बंद नहीं करते हैं, हमें छांव देना बंद नहीं करते। इनफैक्ट जब इंसान मरता है तो लकड़ियों से ही उसको जलाया जाता है, अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूँ तो। ये तो हर पल हमारे काम आ रहे हैं, हमें कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। चलिए, ये तो मैं बाहरी चीज़ की बात करी हूँ जिसके लिए आपको उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बट एक्चुअल में जो आपकी ये सांस हैं, आपकी सांसें हैं, इससे बड़ा हम सफ़र आपका कोई हो सकता है? सोच के देखिए, एक मिनट मेरी वीडियो को पॉज कीजिए, सोच के देखिए, इज़ इट पॉसिबल कि आप सांस के बिना ज़िंदा रह सकते हैं? हम किसी को भी बोलते हैं कि हम तुम्हारे बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, हम तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकते, ये बातें रह जाती हैं, लेकिन अगर आपकी सांसें थम गई तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। और हम दिन ब दिन अपने साथ यही कर रहे हैं। और सांसों को एक सिंपल भाषा में बोला जाए तो वो है अपनी सेहत। हमारी सेहत हमारी सबसे ज़्यादा साथ देने वाली चीज़ है, क्योंकि अगर हम कितने भी अमीर हो जाएं, कितने भी पॉपुलर हो जाएं और हमारी सेहत ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम किसी काम के नहीं हैं। समझ रहे हैं? आज कोरोना काल में भी देख रहे हैं कितने अमीर लोग भी, जितने फेमस लोग भी है ना, उनको भी बेड नहीं मिल पाए, कितना लोग ऐसे कोरोना काल में चले गए। तो मैं वही आपको बोलना चाह रही हूँ, जाग जाइए, अपनी चेतना को जगाइए, अपनी जागरूकता को बढ़ाइए और प्लीज़ ध्यान रखिए, जब आप अपनी सांसों का सही इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, आपकी जो ये फिज़िकल बॉडी है जिसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, इस मतलब मेरे कहने का मतलब है, इस अगर हमें फिज़िकली किसी को अपेयर होना है, किसी को देखना है, तो वो हम इस तरह से ही एग्जिस्ट करते हैं कि हमारी ये बॉडी है, ये हमारा रूप है और ये हमारी सेहत है। तो मैं उसकी बात कर रही हूँ, अस्तित्व की बात ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में हो चुकी है, तो अभी जो मैंने बात की है वो मेन सेहत की बात की है। तो अपनी सेहत पे ध्यान देने के लिए हमारे अपने सांसों के साथ वो जुड़ाव हमेशा फील करना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, और उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर हम सांस सही से लेते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से अपनी सांस लें, देखिए नॉर्मली ये शोल्डर मतलब ढीले छोड़ दीजिए अपना बॉडी को, अभी तो मैं ऐसे बैठी हूँ, फिर मैं कोशिश करती हूँ आप नेचुरली आराम से बैठिए, वो लोग पैर फोल्ड करके अर्धसिद्धासन में बैठ सकते हैं, वो लोग वैसे बैठ जाइए, और जो लोग चेयर पे हैं वो चेयर पे, अभी मैं भी चेयर पे ही बैठी हूँ, स्टूल पे बैठी हूँ, तो वो लोग फील करिए, जब आप सांस लेंगे ये बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़िए,
सांस पूरी ली है, और पूरी सांस लेने का मतलब आपको यहाँ से आपके नाभि के नीचे से आपको सांस का एहसास हो कि हर पार्ट में आपके जा रही है। यहाँ आपका लिवर है दाएं साइड, ये आपकी किडनी है रिब्स के नीचे, यहाँ आपकी पेट है आते हैं, यहाँ आपका थोड़ा सा लेफ्ट साइड आपका हार्ट है। तो ये सब आप अगर एक नेचुरल बहुत सिंपल तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हैं, बॉडी को उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी नेचुरली, मैं तो आपको ऐसे एक्टिव होकर दिखाती हूँ तो ऐसा नेचुरली हो जाता है, वरना आप देखिए नेचुरली आपकी बॉडी में खुद ही ऐसे है, खुद ही आपका फील होगा। और आप जब थोड़ा सा ध्यान ऐसे करके, मतलब अपना चेहरा थोड़ा सा उठा के ऊपर की तरफ रखते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली दोनों मुंह के बीच में आपका थर्ड आई पे ध्यान जाने लगता है। तो इसलिए कभी भी ध्यान की अवस्था में ऐसे ही बैठा जाता है, किसी भी आप मुद्रा में बैठिए, चाहे ज्ञान मुद्रा में बैठिए, चाहे मुद्रा में ज्ञान मुद्रा आपकी है ना, ब्रह्म मुद्रा आपकी है, आप किसी भी मुद्रा में बैठिए, सिंपल आप ऐसे भी बैठिए अपने हाथ खोल के, तो भी आप सांस के लेने का ध्यान जरूर रखिए। कुछ पल तो आप निकाल सकते हैं, पूरा दिन तो आप जैसे कर रहे हैं भागते दौड़ते ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ पल सुबह के टाइम, शाम के टाइम, जब भी आपको टाइम मिल जाए, तो अपनी सांस पे आता जाता उसको फील कीजिए। तो देखिए आपके हर अंग में कैसे ये सांस जाती है, आपके सारे ऑर्गन्स को कैसे अफेक्ट करती है, तो ये अगर हम समझ जाएँ, तो देखिए आप देख रहे हैं ना आजकल अपने लंग्स कैपेसिटी बढ़ाइए, अपना ये करिए वो करिए, तो ये क्यों जरूरी हो गया है, इसीलिए ज़रूरी है, और उसका सारा रहस्य ये है। तो मैं तो सबसे इस ढंग से ऊपर उठ चुकी हूँ, सबसे बड़ा जो साथी है हमारा वो हमारी सांसें हैं, और इसी की वजह से ये हमारी सेहत है। तो अपनी सेहत को अगर अच्छा रखना है, तो अपनी सांसों को निरंतर रूप से ढंग से जिसको इतना परेशान मत कीजिए कि अपने सांस पे भी हम जोर डाल दें और हम हमेशा ऐसे भागते दौड़ते हैं सांस में, है ना, मुझे सांस नहीं आ रही, इतना क्यों टेंशन लेना है। तो बहुत प्यार से इसको ध्यान दीजिए, और फिर अपने हम सफ़र को कहिए तू ये मेरा हम सफ़र है कहने के लिए, ठीक है ना। तो आप इस तरह से चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं, और मेरी नज़रों में तो सिंपली जितनी चीज़ें हैं हमारी, इनके बिना अस्तित्व भी नहीं है। अगर सूरज ना निकले तो आपको दिन का एहसास नहीं हो, चांदनी ना हो आपको रात का एहसास नहीं हो, ये पेड़ पौधे ना हो आपको जीवंतता का एहसास नहीं हो। तो होपफुली आपको मेरी बात समझ आई हो, तो प्लीज़ इसको लेकर शेयर करिए, और मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए। थैंक यू गाइज़।